हेलो एवरीवन, मायसेल्फ प्रमोद डाका और मेरे साथ है आज महेंद्र रोज सर। तो डियर, आज के सेशन में हम आपके लिए हमारी जो फिजिक्स की 33 गुरु नीति है उनमें से जेई के लिए 18th वाली गुरु नीति लेकर आए हैं और इसमें हम आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपके साथ 11th का कंप्लीट पोर्शन डिस्कस हो चुका है और ये 12th का अपना फर्स्ट चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस और गॉस लॉ जो है वो रखा है। सेकंड में जो रिमेनिंग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो सेकंड वाले पोर्शन में रहेगा। ठीक है सर, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में बोल रहा है दैट टू आइडेंटिकल चार्ज स्पीयर्स आर सस्पेंडेड इन एयर बाय इक्वल लेंथ स्ट्रिंग्स पिवोटेड एट सेम पॉइंट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 केजी पर मीटर क्यूब द एंगल रिमेंस सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इज। मतलब क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि अपने पास दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और अपन ने इनको आइडेंटिकल थ्रेड से हैंग कर रखा है। ये एंगल वो 30 डिग्री बोल रहा है, लेट सपोज ये एंगल थीटा है तो इधर वाला भी थीटा है और 2 थीटा अपना 30 हो जाएगा। तो यदि अपन इसमें फोर्स डिस्कस करें किसी भी चार्ज पार्टिकल पे तो कौन कौन से फोर्स यहाँ पे, एक तो अपन वेट फोर्स mg कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, एक तो mg हो गया अपना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स fe कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टल और रिपल्सिव होगा क्योंकि चार्ज सेम नेचर का है। जी सर, और एक के थ्रेड में टेंशन हम कर एक थ्रेड में टेंशन ये वाला एंगल अपना हो गया थीटा। जी सर, तो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में जी, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा mg के इक्वल टी साइन थीटा हो जाएगा ff के इक्वल। तो यहां से अपना जो tan थीटा का रेशियो आ रहा है fe / mg वो fe / mg आ गया। चलिए जी सर, आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड केस में वो कह रहा है कि अपन ने इसको एक लिक्विड में हैंग किया और लिक्विड में भी एंगल सेम है। जी सर, तो लिक्विड में आई थिंक एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफेक्ट होगा, चेंज हो जाएगा, और एक अपथ्रस्ट फोर्स और एक बायंट फोर्स होगा जाएगा। जी सर, तो अपन एक सिंगल स्पीयर को बना ले तो इस पर एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो चेंज होके हो जाएगा एफ ई बाई के। जी सर, इधर एम जी लग रहा है, एफ बी अपवर्ड लगेगा बायंट फोर्स, तो मैं उसको डाउनवर्ड ले लूँ तो माइनस हो जाएगा। जी सर, और इधर थ्रेड का टेंशन टी, ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, एंगल चेंज नहीं हुआ। एंगल चेंज नहीं हुआ मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रेशियो चेंज नहीं हुआ। जी सर, तो ये रेशियो अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ही थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जी सर, वो थीटा तो सेम है तो मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रेशियो सेम रहेगा। जी सर, तो FB को यदि अपन डील करें तो FB होता है V in और V होता है मास अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू रो लिक्विड इनटू Z। गिवन इंफॉर्मेशन से बात करें तो बॉडी की डेंसिटी आई थिंक 1600 और लिक्विड की 800 है। जी सर, तो ये डाटा बन गया mg / 2, ये mg - mg / 2 दैट इज mg / 2 हो जाएगा। मतलब अपना वर्टिकल फोर्स जो है वो 1 / 2 हो गया, हॉरिजॉन्टल भी 1 / 2 हो जाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल 1 / 2 मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपका होना चाहिए उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। उसकी वैल्यू यदि 2 है तो रेशियो सेम रहेगा, एंगल भी सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड हो जाएगा, सेकंड। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दैट अ मास पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस q, सेपरेशन बिटवीन दीस टू चार्जेस इज 2l, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास पार्टिकल इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है और अभी बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। जी सर, तो अपन इस पर नेट फोर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं कि अभी सेंटर में है, इसका मतलब तो नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी हो गई। तो ये सेपरेशन जो है वो एल है और ये सेपरेशन भी एल है। अब थोड़ा सा अपन ने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस किया, तो लेट सपोज कि अपन यहां ले, तो इस वाले चार्ज पार्टिकल से ये डिस्टेंस बन गई एल प्लस एक्स और इस वाले से एल माइनस एक्स हो जाएगा, एल माइनस एक्स। तो यदि अपन फिर से फोर्स को देखना चाहें तो इन दोनों के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा क्योंकि इधर लग रहा होगा। जी सर, KQ स्क्वायर अपॉन L माइनस X स्क्वायर, L माइनस X स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में रिपल्सिव दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन L प्लस X स्क्वायर, L प्लस X स्क्वायर। जी सर, अब वैसे तो अपन ने कुछ रेफरेंस फ्रेम लिया नहीं पर फिर भी SHM के केस में जो फोर्स मेन पोजीशन की तरफ होता है उसको रीस्टोरिंग फोर्स, उसको मतलब उसको अपन वैसे नेगेटिव साइन के साथ ले, जैसे इसमें दो फोर्सेस हैं,
तो अपन जब नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब जो फोर्स मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वो लिखा जाता है, क्योंकि इसी से ना कई बार अपन जब सोल्व कर रहे होते हैं तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नहीं आ पाता, ये माइनस के साथ पंगा हो जाता है जी सर। तो सिंपली यदि आप मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट, जैसे मेन पोजीशन ये इधर डिस्प्लेस हुआ है तो इधर वाले फोर्सेस पॉजिटिव और इधर वाले फोर्सेस नेगेटिव, यदि इधर डिस्प्लेस होता तो इधर वाले फोर्सेस पॉजिटिव और इधर वाले नेगेटिव। तो इस केस में अपन टोटल फोर्स की यदि बॉडी पे बात करें दैट इज kq स्क्वायर अपॉन l माइनस x स्क्वायर विद माइनस साइन प्लस kq स्क्वायर अपॉन l प्लस x स्क्वायर। तो फोर्स यदि अपन सॉल्व करेंगे तो kq स्क्वायर तो कॉमन आ गया, दिस डाटा इज 1 अपॉन l प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन l माइनस x स्क्वायर। एलसीएम ले ले सर, सिंपली सोल्व हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू kq स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4lx अपना बच गया, और डिनोमिनेटर का टर्म l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यदि अपन आगे इसमें बात करें तो ये बोल रहा है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर रहा है, x को स्मॉल कंसीडर कर लेंगे, तो मतलब l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को l स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे और l स्क्वायर का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, l की पावर 4 हो जाएगी। तो f इक्वल्स टू मेरे पास आ गया माइनस kq स्क्वायर इनटू में 4lx अपॉन l रेज टू द पावर 4, तो ये एक पावर तो कैंसिल आउट हो गई, तो ये डाटा आया kq स्क्वायर 4kq स्क्वायर x अपॉन l की पावर 3। तो एक्सीलरेशन जो आएगा बॉडी का दैट विल बी द फोर्स अपॉन मास, तो एक्सीलरेशन जो मेरे पास आ रहा है दैट इज माइनस में 4kq स्क्वायर अपॉन x इनटू में ml क्यूब, लेट्स कंपेयर दिस इक्वेशन विद माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो अपना ओमेगा जो आ रहा है दैट इज अंडर रूट ऑफ 4kq स्क्वायर अपॉन ml क्यूब। तो यहां से एक और करना पड़ेगा अपने को, k की वैल्यू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा, रखनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने आंसर उसी बिल्कुल उसी टर्म में रखा है। तो रखते सर, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये 4 है, इसकी वैल्यू आप रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q स्क्वायर m l की पावर 3, ठीक है। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल सर, और ये हो जाएगा q भी बाहर ले लें, फिर q भी बाहर ले सकते हैं, क्यों सर आई थिंक इसके अंदर बाहर दिया हुआ, ठीक है, क्यों बाहर दिया हुआ है, बाहर है सर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो डिवाइड बाय 2 पाई और कर देंगे, 2 पाई और कर देंगे हम लोग, और ये हो जाएगा 1 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट m l क्यूब, ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट आंसर आ रहा है जी सर। चलिए आगे बढ़ाएं बात को, सही करना सर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दैट इन मिल्गन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट an oil drop of radius r with charge q falls with a terminal velocity v1 without in the presence of electric field. तो यदि अपन electric field की absence में बात करते हैं, so liquid drop जो है वो fall कर रही है, fall कर रही है, तो इस पर forces कौन-कौन से होंगे सर? सर एक तो इसका weight force तो अपने को consider करना ही करना है, एक तो mg लग जाएगा जी सर, और एक की इसके ऊपर अब थ्रस्ट भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, अब थ्रस्ट कंसीडर करना पड़ेगा, और एक की स्टोक लो आपको बताता है विस्कस फोर्स के बारे में, विस्कस फोर्स, ये फोर्स भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये दो फोर्स जो अपन ने पहले डिस्कस करे वो तो कांस्टेंट कांस्टेंट है, लेकिन विस्कस फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी फर्स्ट, अगर एक्सेलरेटेड कंसीडर करेंगे तो ये टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचेगा, तब तक इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, बिल्कुल जी सर। तो पहले केस में इस पर एक तो डाउनवर्ड एमजी लगेगा, एक अपवर्ड एफ बी लगेगा और एक अपवर्ड 6 पाई नीटा पी वन लगेगा। अब वो कह रहा है कि दूसरे केस में व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्विच्ड ऑन व्हिच प्रोड्यूसेस अपवर्ड मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉप, ये अपवर्ड मोशन प्रोड्यूस कर रहा है सर, और टर्मिनल वेलोसिटी वी टू मिल रही है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट नीटा बोल रखा है, तो चार्ज ऑन द ड्रॉप पूछा है, तो दूसरे केस में वो अपवर्ड मोशन दे रहा है तो आई थिंक mg तो चेंज नहीं होगा, mg कांस्टेंट रहेगा और fb भी कांस्टेंट रहेगा जी सर, बट इधर एक फोर्स 6 पाई नीटा rv to i, सर ये नीचे क्यों लिया हमने, क्योंकि बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में v2 स्पीड से मूविंग है, अच्छा तो ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी की और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जी सर, और एक यहां पर एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा दैट इज qe। तो यदि अपन इन दोनों की बैलेंसिंग इक्वेशन बनाते हैं तो पहले केस में तो mg is equals to अपने पास आ गया है fb plus 6 pi neta rv1, और दूसरे केस में आ गया mg plus
6y नीटा rv2 इज इक्वल्स टू fv प्लस qe. यदि मैं दोनों इक्वेशन से mg माइनस fb कंपेयर कर दूं तो पहले से तो mg माइनस fb है 6y नीटा rv1 और दूसरे वाले से है qe माइनस 6y नीटा rv2. तो यहां से ये वाला डाटा अपने पास जो आ रहा है ये 6y नीटा r v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय e इज इक्वल्स टू अपने पास चार्ज qr. जी सर. और वैसे सर ये जो मिल्गन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ना ये ही चार्ज पार्टिकल के क्वांटाइजेशन का भी प्रूफ देता है. okay. कि उसने अलग अलग चार्जेस मतलब उन बॉडीज पे जो अलग अलग चार्जेस आ रहे थे फिर उनसे कंपेयर किया तो ये जो चार्ज की वैल्यू आ रही थी ना वो हमेशा 1.6 से 10 रेस टू द पावर माइनस 19 की इंटीजर वैल्यू आ रही थी. जी सर. तो जो उसका क्वांटाइजेशन का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है अपन कहना चाहे तो मिल्गन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है. जी सर. जो कि चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोग बिल्कुल चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. तो यहां से यदि इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो थर्ड वाला जो है अपना इसका करेक्ट आंसर हो गया. ठीक. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. 4 में वो कह रहा है कि दैट अ डिस्क ऑफ रेडियस a बाय 4 हैविंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6 कूलम इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एज माइनस a बाय 2 कॉमा 0 कॉमा 0. ये अपनी डिस्क रख दी. जी सर. और इस पर चार्ज है 6 कूलम. 6 कूलम. ओके. सेकंड कह रहा है रोड ऑफ लेंथ a कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम इज प्लेस्ड एट एक्सिस एट x From x equals to a by 4 to x equals to 5 a by 4. तो यहाँ पर यदि अपन इसमें बात करते हैं, तो इसके inside में जो इसकी length आ रही है, a by 4, वो a by 4 आ रही है और disc का half portion जो है, वो इसके जी सर inside में आ रहा है. फिर आगे कह रहा है कि two point charges minus 7 coulomb and 3 coulomb are placed at a by 4 comma minus a by 4 comma 0. मतलब ये वाला charge तो मेरा minus 7 coulomb. और ये ऊपर वाला जो है. और ये ऊपर वाला जो है ये 2 coulomb minus sorry. और पूछा अपने से है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्यूबिकल सरफेस. ये जो क्यूबिकल सरफेस है वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस. जी सर. तो कैसे करेंगे सर? सर फाई इज इक्वल टू हम कंसीडर कर सकते हैं क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. बिल्कुल सर. तो हमारे पास अगर सरफेस जो एनक्लोज सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज नेट चार्ज आ रहा है उसकी बात कर लें तो इसके ऊपर 6 कूलम चार्ज है तो जस्ट रिड्यूस कर देंगे हाफ इसका. बिल्कुल. ठीक है. तो 3 कूलम तो हो गया हमारे पास इसके ऊपर डिस्क के ऊपर. और इसके ऊपर कितना हो जाएगा देखो टोटल 1 कूलम है. ठीक है. टोटल लेंथ इसकी कितनी दी हुई है? a लेंथ दी हुई है. और अपने को कितने लेंथ का यहां पे a by 4 लेंथ का चार्ज है वही इस सरफेस के अंदर आ रहा है तो a by 4 कर देंगे. इसे कैंसिल कर देंगे 2 कूलम. तो इसमें आप प्लस 2 कूलम और ऐड कर देंगे. ठीक. और फिर ये माइनस 7 कूलम ये जो चार्ज है वो तो क्या है सरफेस से आउटसाइड उसको कंसीडर अपने को करना नहीं है तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा माइनस 2 कूलम. तो 2 की इसकी वैल्यू रखेंगे तो 5 क्या हो जाएगा माइनस 2 कूलम बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट होने का करेक्ट आंसर. ठीक. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन लेट साइड लेंथ l बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट. कि यहां पर दो चार्जेस इन्होंने रखे हैं और एक केस में तो ये जैसे शुरू के यदि अपन ऑप्शंस पढ़ेंगे इसमें तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव चार्ज है और थर्ड और फोर्थ में ए पर नेगेटिव और बी पर पॉजिटिव चार्ज है. तो अपन तो वैसे ही इनको सोल्व कर लें और फिर देख लेंगे बाद में रिजल्टेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डिफाइन करनी है. तो पहले वाले केस में यदि मैं ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव चार्ज लेता हूं इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी. जी सर. दैट वैल्यू विल बी के क्यू अपॉन एल स्क्वायर और इसकी वजह से ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होगी दैट इज के क्यू अपॉन एल स्क्वायर. यदि अपन एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री आ रहा है. जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है. बिल्कुल सर. तो ये भी 60. जी ये 60 तो ये वाला 30. यस सर. ये 30 ये 90 120 है मेरा. 120 हो गया. दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है मैग्नीट्यूड में सेम है और एंगल 120 तो रिजल्टेंट बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर से क्रॉस करेगा. मैग्नीट्यूड वैसे उतना ही होगा पर हमें उससे कंसर्न नहीं है. हमारा मेन मुद्दा ये है कि डायरेक्शन क्या होगी. तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल यहां से रीच से निकल बाइसेक्टर पर दिस विल बी द ई टोटल. तो ये वाला एंगल जो है ये तो अपने पास है 90. हां ये वाला एंगल इधर बचा 30 इधर से 60. हां तो ये वाला टोटल एंगल अपने पास आ गया 150 डिग्री. तो यदि मैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट में बात करूं तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन जो है
वो करेक्ट आ गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी 150 डिग्री। जी सर। चलिए सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं सर, सोल्व कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाला पार्ट जो है ऑप्शन ये हो गया, ये एक्स एक्स है और ये है वाई एक्स, ये पॉइंट आई थिंक बी दिया हुआ है बिल्कुल, और ये पॉइंट गिवन है ए, और ए पॉइंट पे चार्ज अपने को क्या कंसीडर करना है माइनस क्यू, माइनस क्यू करना है और इसके ऊपर प्लस प्लस क्यू कंसीडर करना है। ठीक है, तो माइनस की तरफ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी टुवर्ड्स माइनस क्यू, और इसकी वजह से ये रहेगी। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बिल्कुल, और यहाँ पे मैं ई मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेता हूँ और ये भी ई मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है सर, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल 90 डिग्री, टोटल एंगल ये कितना हो गया 120 डिग्री। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट दोनों के बाईसेक्टर पे मिलेगा बिल्कुल 60 डिग्री पे, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब एक्स एक्स के साथ 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 और एंटी क्लॉकवाइज बोले तो 60 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो 330 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज से अपना ये वाला एंगल हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 330 डिग्री। बिल्कुल, तो यदि अपन यहाँ से देखें तो इसमें ये बोल रहा है कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो 330 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल आ रहा है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया सेकंड और फोर्थ। चलिए सर, चलिए सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये बोल रहा है दैट अ सिंपल पेंडुलम हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड लेंथ एल एंड मास स्मॉल एम इज हैंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल चार्ज्ड प्लेट्स एज शोन। ठीक है कि ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसका मास स्मॉल एम है और इस पर आवेश क्यू है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, वैसे इस क्वेश्चन में मेंशनड है नहीं, तो ई का जो वेरिएबल अपन उस पर सोच सकते हैं कि भाई ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थिंक पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा क्यू ई वो इस डायरेक्शन में एक्टिंग होगा और एम जी लगेगा इधर डाउनवर्ड्स। तो अपन टाइम पीरियड का एक सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव अपन डायरेक्टली ये यूज कर लें जी सर, तो जी इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज एम जी माइनस क्यू ई, मैं उसको एम इंटू जी इफेक्टिव के इक्वल पुट कर दूं तो मेरा जो जी इफेक्टिव आ रहा है ये वाला डाटा आ गया जी माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड तो हो गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस क्यू ई बाई एम, और फ्रीक्वेंसी जो है 1/T सेकंड बिल्कुल सर, तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों ऑप्शंस अपने करेक्ट हो गए। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करना सर, 7 में ये बोल रहा है दैट अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन E1 E2 एंड E3 विद इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली ड्यू टू द चार्जेस क्यू देन। मतलब इसने ओरिजिन पर एक चार्ज प्लेस कर रखा है क्यू और तीन पोजीशंस हैं 2, 2, 3 3, 3, 4 और 9, 0, 6। यदि मैं किसी भी पोजीशन पर जैसे मान लो कि ये और इसका ये आर वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ होती है k³ r² r² जी सर। तो यदि इन तीन पॉइंट्स की बात करते हैं तो जैसे इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i² + 2j³ + 3k³ और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i² + 3j² - 4k³ और थर्ड वाले का हो जाएगा अपने पास 9i² + 0j² - 6k³। यदि अपने को पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक करना है तो यदि ये पोजीशन वेक्टर पैरेलल या परपेंडिकुलर हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैरेलल या परपेंडिकुलर हो जाएगा। जी सर, मतलब जैसे मैं r1 कैप की बात करता हूं या फिर अपन कैप की क्यों बात करें, अपन वेक्टर की भी डॉट प्रोडक्ट करके चेक कर बिल्कुल, तो r³ r वेक्टर भी तो लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इन दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट लेता हूं r₁ · r₂ तो वैल्यू कितनी आएगी 6 + 6 - 12 जीरो आ गई, जीरो आ गई, तो अपना r₁ वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो गया r₂ वेक्टर, इसका मतलब अपना e₁ वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया e₂ वेक्टर के फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया सर, मल्टीपल चॉइस है बिल्कुल। तो अब R2 और R3 चेक कर ले अपन, R1 और R3 यदि चेक करें तो R1 और R3 में ये 2 × 9 = 18 + 0 - 18 ये भी 0 आ गया, तो अपना R1 भी R3 के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब E1 E3 के परपेंडिकुलर हो गया, ये भी हो जाएगा।
अब अपने को तो फोर्थ तो गलत हो गया इवन पैरेलल ई को. अब सेकंड ऑप्शन की यदि अपन बात करें तो कह रहा है ई टू परपेंडिकुलर या फिर और चेक कर लेते हैं. तो चलो सर आर टू और डॉट आर थ्री का डॉट प्रोडक्ट यदि अपन देखें तो ये आएगा 27 + 0 + 24. इसका मतलब E2 जो है वो E3 के परपेंडिकुलर नहीं है. तो अपने इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड थर्ड. ठीक बिल्कुल सर. चलिए आगे बढ़ाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 10 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कैप्ट ऑन एक्स एक्सिस एट x = 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एट 100 सेंटीमीटर. ओके द फर्स्ट चार्ज इज दिस सेकंड चार्ज इज दिस द थर्ड चार्ज इज दिस एंड सो ऑन द 10th चार्ज पार्टिकल इज चार्ज्ड दिस फाइंड द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए 1 कूलम चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट और ये मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां पर 1 कूलम है यहां पर है अपने पास 10 सेंटीमीटर पे 10 की पावर -8 और ये डिस्टेंस है अपन बोले तो 10 सेंटीमीटर. फिर यहां पर है अपने पास 8 * 10 की पावर -8 और ये डिस्टेंस है अपने पास 20 सेंटीमीटर. फाइनली ऐसे लास्ट चार्ज जो है वो है 1000 × 10⁻¹⁸ और ये सेपरेशन जो अपने पास है ये है 100 सेंटीमीटर. और अपन को इस पर नेट फोर्स निकालना है तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दें कि यदि दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 r सेपरेशन पर है तो फोर्स होता है Q1 Q2 / r2. अब ये सारे चार्ज पार्टिकल्स सारे पॉजिटिव है मतलब इस पर जो भी फोर्स लग रहे होंगे सारे रिपल्सन के लग रहे होंगे और सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे. सिंपल एडिशन कर तो सिंपल एडिशन कर देंगे तो F की वैल्यू Q1 तो 1 कूलम है उसको तो बाहर रख लेते हैं और K को भी बाहर रख लेते हैं 9 × 10⁹. अब इसके लिए 10⁻¹ डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर बोले तो स्क्वायर करेंगे तो 10⁻²² प्लस में 8 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻², प्लस में 27 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाई डाटा इज 30 सेंटीमीटर बोला जाए तो 9 × 10⁻². डॉट 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 प्लस लास्ट चार्ज 1000 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाई 100 × 10⁻². यस तो ये वजह 10⁻⁶, ये वजह 10⁻⁶ और साथ में ये वाला 2, ये वाला डाटा 3 × 10⁻⁶ और मतलब यहां से अपन 9 × 10⁻⁹ ये तो कॉमन आ गया. यस सर. और बच गया 1 + 2 + 3 मतलब ये तो नॉर्मल एपी वाला सा केस बन गया सर. सर या फिर n नेचुरल नंबर्स का एडिशन है तो n + 1/2 तो फोर्स जो आ रहा है दैट इज 9 × 10⁻³ × 10⁻¹⁶ तो अपन एडजस्ट कर दिया सर 9 और 6 को तो 10 × 11 n × n + 1/2 तो ये डाटा कैंसिल आउट हुआ मेरे पास 5 times so this is 45 × 11 that is 495 × 10⁻³ थोड़ा सा और एडजस्ट करें 4.95 × 10⁻⁵ that will be the answer. चलिए सर नेक्स्ट आगे बात करें. क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास जो है इसमें बोल रहा था टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी सो दैट इट एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम फोर्स. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां मेरे पास कैपिटल क्यू है यहां कैपिटल क्यू है ये सेपरेशन डी बाई टू है ये वाला सेपरेशन भी डी बाई टू है और मेरे पास यहाँ चार्ज है स्मॉल क्यू और लेट सपोज ये वाली डिस्टेंस है आर डिस्टेंस तो हमें ये देखना है कि आर के किस वैल्यू पर फोर्स मैक्सिमम आता है. यस सर. तो पहले तो अपन इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन फोर्स ही देख लें. जी सर. तो इनके बीच फोर्स लगेगा अट्रैक्शन और रिपल्सन सिमिलर चार्ज है इसका मतलब रिपल्सन रिपल्सन फोर्स मतलब इनके बीच फोर्स लगेगा इधर. जी सर. मैं इसको बोल दूं एफ एफ ही बोल दें इलेक्ट्रिक है इसलिए और इनके बीच भी रिपल्सन का फोर्स एफ ही इधर ही लगेगा. जी सर. लेट सपोज ये वाला एंगल अपन ले लेते हैं थीटा तो ये वाला भी थीटा और ये वाला भी थीटा. यस सर. तो इधर आ गया एफ ही कोस थीटा उधर भी एफ ही कोस थीटा इधर कंपोनेंट एफ ही साइन थीटा और दूसरे फोर्स का भी कंपोनेंट एफ ही साइन थीटा. जी सर. और इधर आ गया एफ ही कोस थीटा तो एफ ही कोस थीटा और एफ ही कोस थीटा तो सही होगी एक दूसरे से कैंसिल कर तो रिजल्टेंट फोर्स जो है that is 2 Fe sin theta sorry sin theta
यदि अपन इसको निकालना चाहें तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, अब बात करनी है दोनों के बीच सेपरेशन, तो ये डिस्टेंस तो डी बाई टू है, ये डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, तो ये वाली डी बाई टू का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई फोर, डी बाई टू का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट टेन थीटा, बिल्कुल सर, और साइन थीटा के इक्वल हम रखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा आ गया आर अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर डी बाई टू का स्क्वायर, बिल्कुल सर, तो ये डाटा बन गया। यस, तो ये अपने पास आया 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर 3 बाय 2 रेस टू द पावर 3 बाय 2, ये दो इस पर टोटल फोर्स आ गया, मतलब आर के साथ वेरिएबल जी सर, और हमें आर को वेरी करवा के देखना है कि ये कब मैक्सिमम आएगा, तो सर मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग डीएफ बाय डीआर करेंगे, डीएफ बाय डीआर करेंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे जी सर, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें सर, ये नीचे से 4 निकलेगा, 4 की पावर 3 बाई 2 जो होगा दैट वैल्यू विल बी 8, तो ये आ गया 16 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर पावर 3 बाई 2 पावर 3 बाई 2, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। यस, तो चलो सर डिफरेंशिएट करते हैं, डीएफ बाई डीआर की बात करें, ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको कोई कांस्टेंट स्मॉल ए अज्यूम कर लेता हूं जी सर, तो ये स्मॉल ए, थोड़ा सा अपने को स्पेस चाहिए होगा, डीएफ बाय डीआर इज इक्वल टू स्मॉल ए, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3, डिनोमिनेटर डी स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाय 2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस में आर इनटू में 3 बाय 2 डी स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर रेज टू द पावर 1 बाय 2 इनटू में 8 आर, ये अपने पास क्वांटिटी आ गई सर डिफरेंशिएट करने पर, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने पुट करनी है जीरो के इक्वल, फर्स्ट डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल पुट कर रहे हैं, मतलब डी स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाय 2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स, सो दिस वैल्यू इज 12 आर स्क्वायर, साथ में डी स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर रेज टू द पावर 1 बाय 2 जी सर, तो ये पावर तो कैंसिल आउट हो गई, यस इधर है डी स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर और इधर वाला डाटा है 12 आर स्क्वायर, तो अपना डी स्क्वायर जो है वो 8 आर स्क्वायर के इक्वल आ गया, मतलब आर जो है वो डी बाय 2 रूट 2 के डी बाय 2 रूट 2 के इक्वल आ गया, मतलब इस वाले पॉइंट पर बॉडी पर फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब बॉडी इधर है तो फोर्स कम है, उधर है तो फोर्स कम है, दिस इज द पॉइंट व्हेयर द एक्टिंग फोर्स ऑन द बॉडी इज मैक्सिमम। जनरली हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि अभी तक ये जो वैल्यू जो आर की आई है उसको हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की कंडीशन में कह सकते हैं, लेकिन डी टू एफ बाई डी आर टू मतलब सेकंड डेरिवेटिव से इसको उसकी वैल्यू हमारे पास अगर पॉजिटिव आएगी तब तो हम इसको मिनिमम कहेंगे, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो इसको फिर मैक्सिमम कहेंगे, तो इतना पार्ट तो अपन बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं, हाँ, वो चेक कर सकते हैं। आप बेटा इसको सेकंड पार्ट को चेक कर लें और बिल्कुल वो डाटा जो है वो नेगेटिव आएगा, मतलब दैट विल बी करेस्पोंड टू ए मैक्सिमा, क्लियर जी सर, तो ये एक तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, उसमें दो क्वेश्चंस पूछे हुए कि एक तो फोर्स कब मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, आर की वैल्यू ये पुट करना, आर की वैल्यू जो है वो डी बाई टू रूट टू अपने को इस क्वेश्चन में पुट करनी है तो अपने पास आंसर आ जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है दैट टू आइडेंटिकल बीड्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम व्हेन प्लेस्ड इन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर विद फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग बॉल द बीड मूव्स एंड इन इक्विलिब्रियम दे आर एट डिस्टेंस कैपिटल आर अपार्ट फाइंड चार्ज ऑन ईच बॉल, मतलब ये हेमिस्फीयर के सेंटर के रेस्पेक्ट में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं जी सर, तो हेमिस्फीयर के सेंटर के रेस्पेक्ट में यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं तो अभी बॉडीज रुकी हुई है, मतलब नेट फोर्स तो जीरो है जी सर, तो जैसे मैं किसी भी एक बॉल पर बात करूं तो इस बॉल पर जो फोर्स लग रहा होगा, एक तो इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा और वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा k² / r² डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पर एक फोर्स होगा mg और इधर वाली डायरेक्शन में इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा जी, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा हेमिस्फेरिकल सरफेस में हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यदि अपना इधर लगा, इसका ये वाला एंगल है 60 जी सर,
यदि मैं कंपोनेंट डालूं तो ये तो आ गया n cos 60, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा n sin 60। तो यदि अपन बैलेंस करना चाहें तो ये डाटा अपने पास आ गया कि सब n sin 60 जो है mg को बैलेंस करेगा, वो mg को बैलेंस करेगा, और n cos 60 जो है वो अपने पास kq square upon r square को बैलेंस करेगा। तो रेशियो ले लें सर। जी सर, तो n तो वैसे ही कैंसिल आउट करना, 1060 होता है रूट 3 और इधर आ गया mg upon kq square by r square, kq square by r square, this will be the value। yes sir। अपने को चार्ज कैलकुलेट करना है, तो चार्ज कैलकुलेट करना है तो q स्क्वायर की वैल्यू आ गई mg by root 3k और साथ में r स्क्वायर। तो चार्ज की यदि अपन बात करें हर मोल पे, दैट इज r साथ mg में mg डिवाइडेड बाय root 3k पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, दिस विल बी द चार्ज ऑन ईच मोल। चलिए सर आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। 11th में बोल रहा है दैट ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m कंटेनिंग इन नेट पॉजिटिव चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल व्हिच टर्मिनेट्स इन अ वर्टिकल वॉल एज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज d, ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड e टुवर्ड्स द राइट इज स्विच्ड ऑन, अज्यूम कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन, इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आई थिंक सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं होगा सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा कैसे कहेंगे हम लोग कि सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट के माइनस की प्रोपोर्शन होता है जी सर, और फोर्स वेरिएबल फोर्स होता है जी सर, मतलब रीस्टोरिंग होता है, वेरिएबल होता है। तो इस वाले केस में तो इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक तो नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरा केस कि यदि अपन इस मोशन को देखना चाहे कि मोशन होगा कैसा, तो जैसे अपने पास यहां पर ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज है क्यू, तो फोर्स लगेगा क्यू ही, ये गया इसके साथ कोलाइड हुआ जी सर, कोलाइड होकर यदि ये v वेलोसिटी से कोलाइड होता है तो वापस भी v से ही आएगा, क्योंकि अपने को बोल रखा है कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, तो मैं वी नॉट मान लेता हूं, तो वी नॉट से वापस आ गया ठीक है। तो सेम फोर्स के अंडर में यदि अपन मोशन अंडर ग्रेविटी वाली सी बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने छोड़ा, वो फॉल किया, ग्राउंड से वापस आया, यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो हाइट सेम रहती है, हाइट मतलब यदि ये बॉडी यहां से डी डिस्टेंस ट्रेवल करती भी गई है इस फोर्स के अंडर में, तो वापस आने में भी ये डी डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगी, और यहाँ पे जितना टाइम फॉरवर्ड मोशन में लगेगा उतना ही बैकवर्ड मोशन में लगेगी, यहाँ बॉडी की रेस्ट में थी यहाँ वापस से रेस्ट में मिलेगी, तो मोशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। मतलब यदि अपन यहां से यहां का टाइम कैलकुलेट कर ले तो और तो जस्ट मल्टीप्लाई कर, बिल्कुल सर, तो दैट विल बी द टाइम पीरियड। तो कैलकुलेट कर ले सर, बॉडी पर चार्ज जो दे रखा है वो क्यू दे रखा है, yes, तो फोर्स हो जाएगा अपने पास F is equal to होगा QE, A is equal to हो जाएगा QE by M, ठीक है, D डिस्टेंस ट्रेवल करवानी है सर, D is equal to क्या रखेंगे A by 2 A T square, बिल्कुल, तो D अपने को गिवन है 2 हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे QE और ये M हो जाएगा, ठीक है, ये T स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हम कैपिटल T जो है वो 2 इंटू T करेंगे, तो कैपिटल T इक्वल टू 2 इंटू T की वैल्यू क्या रखेंगे रूट ऑफ 2 डी एम अपॉन QE, इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा 8 डी एम अपॉन QE, this will be the ये time period हो जाएगा, बिल्कुल सर, ये बॉडी का time period हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाएं बात को, next question की बात करें, question number 12 में कह रहा है कि that infinitely long string uniformly charged with linear density lambda 1 and a fragment of length l uniformly charged with linear density lambda 2 lie on a plane at the right angles to each other and separated by a distance r naught, determine the force with which these two interact। मतलब केस कुछ ऐसा है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसके पास यहां दूसरा वायर रखा हुआ है, इस पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 1 और इस पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 2, ये डिस्टेंस है आर नॉट, ये लेंथ है एल, और मुझे इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सर यदि जैसे अपन एक एलिमेंट मान ले कि चलो यहां से आर डिस्टेंस पर डी आर लेंथ का कोई एलिमेंट है,
तो उस एलिमेंट पे चार्ज तो कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 इनटू dr, और उस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, मतलब एलिमेंट पे यदि अपन फोर्स लिखना चाहें तो वो आ जाएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 dr अपॉन में r। यदि अपन इस पे टोटल फोर्स देखना चाहे तो इसको इंटीग्रेट करना है सर अपने को, लिमिट लगा दो सर r नोट से लेकर r नोट प्लस l तक। तो देखें इसमें टोटल फोर्स f जो होगा वो df का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे r नोट टू r नोट टू r नोट प्लस l, क्योंकि ये मिनिमम सेपरेशन ये वाला r नोट और मैक्सिमम डिस्टेंस यहां से ये वाली दैट इज r नोट प्लस l। तो वैल्यू अपने पास जो आएगी f इज इक्वल टू देखो k लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो रहेगा वो तो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर रख लेते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 और इंटीग्रेशन 1 बाय r dr करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 बाय r का इंटीग्रेशन हो जाएगा log, ठीक है। f इज इक्वल टू 2 k लैम्डा 1 लैम्डा 2 log r r, और इसकी लिमिट अपने को पुट करनी है r नॉट और l प्लस r नॉट, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 k लैम्डा 1 लैम्डा 2 log l प्लस r नॉट माइनस log r नॉट r नॉट m माइनस n का फॉर्मूला रखेंगे तो l अपॉन में l प्लस r नॉट बाय r नॉट हम पुट करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है सर। सो दैट विल बी आंसर फाइनल आंसर, f इज इक्वल टू हो जाएगा 2 k लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln r नॉट प्लस l by r नॉट r नॉट, ये अपना आंसर, दिस विल बी द आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोल रहा था द सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो, लाइक r वेक्टर छोटा r vector be the vector from the center to the sphere to a general point P within the sphere, okay, so that the electric field at point P is given by rho r upon 3 epsilon naught, okay। मतलब ये कोई spherical body अपने पास है insulating और uniformly charged है, और मेरे को ऐसे किसी point पर जिसका position vector r vector है उस पर electric field calculate करना है। तो अपन तो एक सिंपल सा गॉस लॉ से यूज करें तो E into 4 pi r square, this is the flux is equals to q in, that is rho into 4 by 3 pi r cube divided by epsilon naught, मतलब मैंने flux निकाल दिया, बैलेंस कर दिया, तो 4 pi से मेरा 4 pi सही हो गया, और E की वैल्यू जो है ये r square ये r cube, E की वैल्यू आ गई अपने पास rho r upon epsilon naught, मैग्नीट्यूड तो आ चुका है जी सर। उसका डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी जी सर। बोले तो ये अपने पास रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल जी सर। तो पहली चीज तो अपने को यही प्रूव करनी थी कि किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे वो ये होती। दूसरा वो क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि यदि अपन ने कैविटी की तो कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है और उसकी वैल्यू रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होती है। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्फीयर है और यहां पर अपन ने कोई कैविटी बना दी, तो कैविटी के इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वही होगी जो कैविटी के सेंटर पर होगी और उसकी वैल्यू रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अपने को प्रूव कर। तो जैसे मैं कहूं ये सेंटर C है, ये C1 है और ये कोई जनरल अपने पास पॉइंट C2 अपन कहते हैं, ये इसका पोजीशन वेक्टर सेंटर का A वेक्टर, लेट्स सपोज ये पोजीशन वेक्टर Y वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर X वेक्टर है जी सर। तो यदि मुझे पॉइंट C2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो दैट वैल्यू विल बी, यदि कंप्लीट स्फीयर की वजह से देखूं तो इट इज रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और कैविटी की वजह से सोचूं दैट इज रो वाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और कंप्लीट स्फीयर में से यदि अपन कैविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दें तो दैट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी टू। यस सर, तो वैल्यू अपने पास जो आ रही है दैट इज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू में एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर,
वाई वेक्टर। चलिए तो यदि अपन इस ट्राइंगल में बात करें, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है और ये अपने पास एक्स वेक्टर है, तो ए प्लस वाई एक्स वेक्टर, तो ए वेक्टर जो आएगा दैट विल बी वाई वेक्टर, मतलब ये वाला डाटा आ गया रो ए डिवाइडेड बाई जी एप्सिलॉन, मतलब इस कैविटी के इनसाइड में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और उसकी वजह सेंटर वाला ही होगा, सेंटर वाला ही होगा। तो यही अपने को प्रूव करना था। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है। 14 में कह रहा है इन अ रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन एंड प्रोपोर्शनल टू एक्स इज गिवन बाय ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्स आई कैप, कंसीडर एन इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज ए within its edges parallel to the axis of coordinates, calculate the charge inside the this volume. मतलब केस कुछ ऐसा है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो नॉन यूनिफॉर्म है, अपन ने एक क्यूबिकल वॉल्यूम कंसीडर किया और मेरे को इस वॉल्यूम के इनसाइड में चार्ज कैलकुलेट करके बतलाना है। तो यदि मैं जैसे इस एज को, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर दूं एक्स नॉट, तो इस एज का एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन हो गया मेरे पास एक्स नॉट प्लस ए, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हो गया मेरे पास ई नॉट इंटू एक्स नॉट आई कैप, और इसका एरिया वेक्टर जो है वो है ए स्क्वायर आई कैप, मतलब जो फ्लक्स इसके अनसाइड में जा रहा है दैट वैल्यू इज ई नॉट एक्स नॉट इंटू ए स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ई नॉट एक्स नॉट प्लस ए आई कैप, और एरिया वेक्टर जो है वो है ए स्क्वायर आई। तो यदि अपन फ्लक्स आउट की बात करें तो वो हो गया ई नॉट एक्स नॉट प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, दैट इज फाइ इन प्लस ई नॉट ए क्यूब। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि इनसाइड में चार्ज कितना है, तो फाइ आउट माइनस फाइ इन जो है वो नेट फ्लक्स आएगा, दैट विल बी द नेट फ्लक्स, और नेट फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स है मेरा ई नॉट ए क्यू, और ये वाला डाटा आ गया क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इनसाइड में जो चार्ज हो गया इसके दैट इज ई नॉट एप्सिलॉन नॉट साथ में ए क्यू, दिस विल बी द चार्ज इनक्लोज्ड इन एनी क्यूबिकल वॉल्यूम, मतलब ये क्यूब कहां पर प्लेस्ड है इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपना ये क्वेश्चन था 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है दैट अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a by 2 अबव द सेंटर ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर सरफेस एज शोन इन फिगर, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। तो अब स्क्वायर सरफेस से निकालना है, यदि यहां चार्ज रखा हुआ है तो एक काम करते हैं, मतलब ये सिचुएशन एक्चुअली कुछ ऐसी सी लग रही है कि साहब एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पे चार्ज है। यस सर, क्यू चार्ज रखे तो सिक्स सरफेसेस है। यस सर, तो टोटल तो इससे जो फ्लक्स होगा दैट विल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर, और सारी सरफेसेस के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल है, तो 1 बाय 6 करेगा, हर से हर 1 बाय 6 तो फ्लक्स जो जाएगा दैट इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। यस सर, तो इसके लिए भी यदि अपन इमेजिनरी सरफेसेस मान ले कुछ ऐसी ही, तो जो लोवेस्ट सरफेस है उससे चार्ज जो फ्लक्स क्रॉस करेगा दैट फ्लक्स विल बी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। So that will be the answer for this question. चलिए सर अगले बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है पॉइंट चार्ज Q is kept at the center of a cylinder of length L and radius capital R. Find the flux through the chord surface of the cylinder. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां पर अपने पास एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है L और यहां चार्ज रखा हुआ है Q. तो ये सेपरेशन आ गया L by 2, ये रेडियस है, वो कह रहा है कर्व सरफेस से, तो अपन इसमें ये तो बोल सकते हैं कि चलो भाई देखो इधर वाली सरफेस से और इधर वाली सरफेस से, लेट्स सपोज दिस इज सरफेस S2, दिस इज सरफेस S1 एंड दिस कर्व सरफेस इज S3, फ्लक्स फ्रॉम 1 इज इक्वल्स टू फ्लक्स फ्रॉम 2, और टोटल ओवरऑल अपन ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3 That will be Q by epsilon. तो यदि मेरे पास anyhow phi 1 या phi 2 की वैल्यू आ जाती है तो phi 3 तो आ ही जाएगा। क्यों सर?
माइनस करते हैं तो अब अपन फाई वन और फाई टू कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं सॉलिड एंगल का यूज करने जा रहा हूं कि जैसे यहां पर मेरे पास डिस्क है। अब दो तरीके से हो सकता है, एक तो यह कि इंटीग्रेशन कर लिया था भाई, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिंग से फ्लक्स निकाला, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। जी सर। दूसरा तरीका सीधा डायरेक्ट मेथड है कि साहब यदि ये सेंटर यहां पर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा हो, ये डिस्टेंस है l बाई टू, ये है r, तो ये डिस्टेंस होगी अंडर रूट l स्क्वायर बाय 4 प्लस r स्क्वायर। तो इससे जो क्रॉसिंग फ्लक्स आता है उसकी वैल्यू मेरे पास आती है phi is equals to q by 2 साथ में 1 माइनस cos थीटा। एक्चुअली ये क्या है सर कि ये जो सॉलिड एंगल फॉर्म करता है ना इसके ऊपर उसकी वैल्यू होती है 2 pi 1 माइनस cos थीटा। यदि ये वाला एंगल थीटा होता है तो ये जो सॉलिड एंगल इसके ऊपर फॉर्म करता है उसकी वैल्यू होती 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। पिछले कुछ सालों में एडवांस के पेपर में भी है ना सॉलिड एंगल बहुत कंसंट्रेट करते हैं, ये वाली चीज पता होनी चाहिए वैसे। तो ये 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा है तो टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। तो उसके करस्पॉन्डिंग यदि अपन फ्लक्स देखते हैं तो फ्लक्स ये आता है क्यू बाई 2 1 माइनस कोस थीटा। ये फाई 1 या फाई 2 अपन बोल सकते हैं। तो वैल्यू अपने पास आ गई क्यू बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी ये अपने पास आ गया एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। तो फाई 1 प्लस फाई 2 की वैल्यू दोनों इक्वल है, दैट विल बी क्यू 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर बाय 4 आर स्क्वायर। अच्छा इसमें साथ में मैं एक डाटा भूल गया, दैट इज एप्सिलॉन। तो फाई 1 प्लस फाई 2 आ चुका है, फाई 3 निकालना है। यदि अपन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से माइनस करेंगे तो फाई 3 की वैल्यू मेरे पास आएगी q by epsilon not into में l और साथ में under root of l square plus 4 r square। This will be the flux crossing from the curved surface। यदि इस normal surface को लेकर बात कर ले cylinder, जो इसकी cylinder की circular surfaces हैं उनसे बात करें तो ये flux होगा। Yes sir। और curved surface से बात करें then this will be the nicely। चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को। 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है दैट द चार्ज कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटेरियल ऑफ होलो स्फीयर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस r1 एंड r2। ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट p एट अ डिस्टेंस x अवे। ओके, ड्रॉ ए रफ ग्राफ शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है जी सर। तो एक तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कैलकुलेट करना है और 0 से 2r2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रफ सा ग्राफ भी बनाना है। ठीक है जी सर। तो सिचुएशन जो है वो कुछ इस टाइप की है। वैसे अपन ये तो बोल सकते हैं सर कि 0 से r1 तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। जी सर। तो अपना एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी 0 इफ x बिलोंग्स फ्रॉम 0 टू r1। इसी टाइप से यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं दैट इज kq / r स्क्वायर इफ दी x बिलोंग्स फ्रॉम जी। मतलब यदि अपन ग्राफ बनाना चाहें तो r1 तक तो कुछ होगा नहीं और r2 के बाद जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से डिक्रीज करेगा। e इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के। अब मेरे को इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, बीच वाले रीजन में बात करें तो यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पर बात करें, ये डिस्टेंस x dx थिकनेस का एक एलिमेंट ली। जी सर। उस पर चार्ज dq देखना है तो dq की वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी q अपॉन 4 बाय 3 पाई r क्यूब r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। यस सर। ये तो वो सॉलिड पार्ट है जिसमें ये वाला पार्ट, इसका वॉल्यूम की बात की है मैंने जिसमें अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके इनसाइड में जो होगा दैट विल बी 4 बाय 3 पाई x क्यूब माइनस r1 क्यूब माइनस r1 क्यूब। तो अपना 4 बाई 3 पाई से तो 4 बाई 3 पाई सही हो गया चार्ज को, ये तो अपना q इनक्लोज्ड ही आ गया सीधा, dq की लिखने की जरूरत ही नहीं है। yes, तो q इनक्लोज्ड जो मेरा आ रहा है उसकी वैल्यू आ गई है q x क्यूब माइनस r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज q x क्यूब माइनस r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 क्यूब
माइनस आर वन क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर और करते हैं क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पर एक्स ले रहा है तो ये 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया, तो वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट इज के क्यू एक्स क्यूब माइनस आर वन क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये डाटा अपने पास आ गया आर टू क्यूब माइनस में आर वन क्यूब। तो इस वाले बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने को बात करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी, यहां से यदि अपन डिवाइड कर दें तो x माइनस आर वन क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो जाएगा वो कुछ इस टाइप का जाएगा। बाकी तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो बेटा आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव के नेचर के बेसिस पर इस वाले ग्राफ में फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, तो आप ग्राफ के नेचर के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। चलिए आगे बात करें सर। जी सर, क्वेश्चन नंबर 18 की यदि बात करें, 18 जो है उसमें कह रहा है, तो इसमें क्या किया सर अपन ने गुरु नीति में ना कुछ, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन जैसे सोल्व किया था, इसका जस्ट ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मतलब स्फेरिकल वॉल्यूम के साथ ही ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। यस सर, तो आगे के जो तीन क्वेश्चन है वो अपन ने बिल्कुल जेई बेस्ड ही रखे हैं, 19, 20, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ये वो एंगल वाला है। यस सर, ये वाला जो है ये भी प्रीवियस ईयर जेई में आया हुआ है जिसमें सिलेंड्रिकल वॉल्यूम की बात की है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी जेई में आया हुआ है। तो ओवरऑल हम ये भी आपको एक्सप्लेन कर पाए बेटा कि हम जो क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करवाना चाह रहे हैं मोर और लेस, ये पॉसिबल नहीं है कि यार 20 क्वेश्चन में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इतना बड़ा पार्ट डिस्कस कर लो। जी सर, पर मुद्दा ये है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बात बच्चों से कंप्लीट कर लो। जी सर, एग्जाम में क्या आता है ये सीख लो। गुरु नीति अपनी वही उसी को लेकर है कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ताकि बच्चे का एक डर निकले उससे लेकर। तो चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है दैट अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज अ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम विद अ चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू कप्पा आर रेस्ट टू द पावर ए, कप्पा एंड ए आर कॉन्स्टेंट्स एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स टू आर बाय 2 इज 1 बाय ए एंड आर इज इक्वल्स टू आर, ओके वैल्यू ऑफ ए, मतलब ये कह रहा है कि चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पॉइंट यहां है 1 और एक पॉइंट यहां है 2, और 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/8। तो अपन जनरल तो पहले किसी डिस्टेंस आर पर कैलकुलेट करनी है, तो आर डिस्टेंस पर करने के लिए यदि मैं चार्ज डी क्यू की बात करता हूं, जैसे मान लो मैं यहां से एक्स डिस्टेंस पर dx थिकनेस का थिन सेल अज्यूम करो, तो उस पर चार्ज होगा 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx, दैट ये तो वॉल्यूम इनटू में चार्ज डेंसिटी, तो वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट इज 4 पाई, उसको मैं कैपिटल K लिख दूं साथ में x की पावर a प्लस 2। r डिस्टेंस पर वैल्यू जो थी वो r रेस टू द पावर a है, तो यहां अपने पास x डिस्टेंस पर x रेस टू द पावर a हो जाएगी, पहले से 2 और बड़ा है, तो उस वॉल्यूम में यदि मैं टोटल चार्ज देखता हूं दैट इज 4 पाई k डिवाइडेड बाय a प्लस 3, और साथ में अपने पास आ गया x रेस टू द पावर a प्लस 3, ये प्लस 2 है, पावर 1 ऐड करनी है, डिवाइड करना है, और इसमें लिमिट लग जाएगी अपने पास, यदि मैं 0 से r की बात करूं तो लिमिट लग गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास आ रहा है दैट वैल्यू इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और साथ में डाटा चलेगा सर 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये डाटा आ गया कैपिटल के आर रेस टू द पावर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए प्लस 3, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू द पावर ए प्लस 1, ए प्लस 1। तो हमें दो जगह कंपेयर करना है, एक तो r by 2 पर और एक r पर, तो e1 by e2 की बात करें that is r1 by r2 raised to the power a plus 1, so this value is 1 by 2 raised to the power a plus 1, और ये information ये है कि ये वाली value जो है 1/8 वो 1/8 है, तो ये अपने पास है e1 की value e2/8 है, तो जैसे ही अपन कंपेयर करेंगे a plus 1 जो अपना आ रहा है 3 के इक्वल आ रहा है, वो 3 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब मेरा a जो कैलकुलेट होकर आ रहा है 2i वो 2k आ गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 0,
और 0 2। कंसेप्ट इतना सा ही है कि फर्स्ट अपने को आर रेडियस के स्पीयर में चार्ज देखना, उसके लिए एक स्पेरिकल सेल माने, उसको इंटीग्रेट करें चार्ज को, फिर दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखें और डायरेक्ट कंपेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में कह रहा है दैट इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो अपने पास रो है, ठीक है। इट हैज अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस आर बाय 2 विद इट्स सेंटर एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विद अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज दिस, द वैल्यू ऑफ k इज। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, यहां पर कोई पॉइंट पी है, yes, sir. तो अपन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, है ना। कई बार बच्चे ना इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन को लेकर कि सर ये तो पढ़ाया नहीं गया हमें सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। yes, sir. बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप ये याद रखो ना यार कि ये ऐसा मान लो कि एक लॉन्ग रोड है, yes, sir. और उस रोड की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाय r, पर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस सर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, जैसे मैं मान लू कि यहां पर एक l लेंथ का वॉल्यूम मैंने लिया है, तो q by l into pi r square, ये तो रो के इक्वल होगा। यस सर। मैं सिलेंडर का वॉल्यूम दैट इज द एरिया इनटू लेंथ, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो मेरे पास आ रहा है दैट इज रो इनटू पाई आर स्क्वायर। यस सर। मतलब कंप्लीट सिलेंडर की वजह से, यदि कंप्लीट सिलेंडर होता कैविटी ना होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता इज इक्वल टू 2 के बाय आर इनटू में रो इनटू पाई आर स्क्वायर। यस। और ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस 2r दे रखी है, तो अपन इसको भी 2r लिख दें, तो ये 2r आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, k के प्लेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यदि अपन रखें तो रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो नॉट आर स्क्वायर, रो आर अपने पास आ जाएगा, आर से एक आर कैंसिल होगा, एक आर से आर कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। कि यदि केवल सिलेंडर होता तो इतना है। यस सर। अब अपन ने बना दी एक कैविटी, कैविटी कैविटी की रेडियस है आर बाय 2, तो इस स्पीयर की रेडियस अपने पास आर बाय 2 है। यस सर। तो यदि मैं स्पीयर में चार्ज देखना चाहूं, चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल कैविटी, मतलब यदि ये कैविटी होती, कैविटी वाला प्लेस होता पार्ट, तो उस पर चार्ज कितना होता, तो उस पर चार्ज होता रो इनटू 4/3 पाई आर बाय 2 क्यूब। यस। और इस स्फेरिकल पार्ट की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, तो पॉइंट पी पर होता दैट विल बी के दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, सीधा अपन 6 लिख दे। यस। ये तो 8 है, ये 4 है, तो 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय अपने पास 4 पाई इनटू में वो सेपरेशन, सेपरेशन है 2 आर का स्क्वायर, ये डाटा अपने पास आ रहा है। तो यदि अपन यहां से, अच्छा ये वाला डाटा मैंने 4 पाई गलत लिख दिया, यहां पर 4 पाई नहीं आएगा, 4 पाई नहीं आएगा, This is KQ upon R square, separation का square. तो value जो अपने पास आ रही है, एक तो पाई से पाई सही हो गया, ये एक R square वाला, ये term cancel out हो गया, तो ये data आया rho R divided by 8 into 6 into epsilon 4. ये अपने पास data आ गया, और ये 8 नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये data multiplied 2 और अपने पास आया। So this data will be 8 into 12 बोल दो या फिर 16 into 6 बोल दो, ये अपने पास आ गया, ये आ गया इस spherical part की वजह से, complete cylinder की वजह से ये रहा। yes, sir. तो यदि मैं cylinder की वजह से spherical part वाला minus कर दूं, तो remaining की वजह से electric field जो आ रहा है वो अपने पास आ गया rho r by 4 epsilon naught minus में rho r divided by, ये वाला data अपने पास आएगा 12 into 8 96 epsilon naught, तो value आ गई rho r by 4 epsilon naught, तो अपन common ही लेंगे, this data is 1 minus 1 by 24, so that value is rho r into में 23 divided by 24 into में 4 epsilon naught। यदि अपन given data से इसको compare करें तो ये आ रहा 23 rho r divided by 16 k
एप्सिलॉन, तो 23 रो आर तो गया, एक एप्सिलॉन नोट गया, मेरे पास 24 इंटू 4 जो है, 24 इंटू 4 दैट वैल्यू इज 16 के अपने पास आ रहा है, तो यहां से यदि अपन कंपेयर करें तो ये 4 और ये 4 ये 6 टाइम्स 6 आ जाएगा, तो के की वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 6. चलिए जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपना लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा था कि इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा लाइज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड वाई जेड प्लेन, ओके, और जेड इज इक्वल टू रूट 3 बाय ए है, ओके जी सर. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस एबीसीडी लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन विद सेंटर एट ओरिजिन इज लैम्डा एल बाय एन एप्सिलॉन नॉट, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन. मतलब केस कुछ ऐसा है सर कि इसकी वजह से, मतलब इसकी कंप्लीट की वजह से इस पार्ट से कितना फ्लक्स पास हो, फ्लक्स पास. तो यदि अपन उसमें सिंपली बात करना चाहें, मतलब जैसे मैं कहूं कि लाइन चार्ज जो है वो तो ऐसे, और यहां पर मेरे पास कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ तो है ए, और ये वाला सेपरेशन जो है, ये वाला सेपरेशन मेरे पास है √3a/2. तो यदि ऐसा केस है तो ये डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस होगी मेरे पास ए बाय, मतलब मैं यदि इस एंगल की बात करता हूं तो इस एंगल टेन थीटा की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज दिस डिवाइडेड बाय दिस दैट इज 1/√3, मतलब मेरा थीटा जो आ रहा है 30 डिग्री वो 30 डिग्री के इक्वल कैलकुलेट होकर, यस सर, मतलब ये वाला जो एंगल थीटा है ये अपने पास 30 डिग्री के इक्वल आ गया. अच्छा जी, तो यदि अपन इसमें आगे बात करें ना, तो देखो सर सिचुएशन एक्चुअली कुछ है कि जैसे ऐसे मान लो एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, यस सर, और उस सिलेंडर में ये जो रोड है वो तो उस सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है, और वो सिलेंडर कुछ ऐसा है, मतलब वो ऐसे क्लोज करते हुए चल रहा है, तो यदि मैं टोटल उस सिलेंडर के सेंटर पर एंगल देखता हूं तो इस 2D में बात करनी है अपने को, तो वो एंगल जो बन रहा होगा दैट एंगल विल बी 2π, यस सर, और ये जो लेंथ वाला पार्ट है, मतलब ये कुछ ये वाला पोर्शन कवर कर रहा है, और ये जो एंगल कवर कर रहा है ना इस पे, दिस एंगल इज 60 डिग्री और वी कैन से इट इज 5/3, मतलब जो टोटल इससे एंगल कवर होता दैट टोटल एंगल इज 360, जिसमें से इसका 1/6 पार्ट जो है, इसका 1/6 पार्ट जो है वो ये कवर कर रहा है, yes, sir. इसका मतलब टोटल जो फ्लक्स इस सिलेंड्रिकल पार्ट से निकलता वो होता अपने पास चार्ज इन होता लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इन लैम्डा एल, तो टोटल फ्लक्स होता लैम्डा इन बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस सिलेंड्रिकल सरफेस, लेकिन ये इस सिलेंड्रिकल सरफेस का 1/6 पार्ट कवर कर रहा है, तो इससे जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी 5 टोटल डिवाइडेड बाय 6 एंड दैट वैल्यू इज लैम्डा एल 6 epsilon naught, तो अपने पास n की जो वैल्यू आ रही है 6, that is coming as 6. Okay dear, so हमारी तरफ से electrostatics के first part में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली गुरुनीति में electrostatics के second part के लिए, तब तक के लिए goodbye.